बिस्मरिमस्मान आपकी हिजमत में हाजिर है तो आज हम बनाएंगे गाजर की हलवा गाजर की हलवा में सबसे मुश्किल काम कौन सा है उसको कैसना कद्दूकश के करना ठंडी सर्दी में और ठंडी ठंडी गाजर कद्दूकश करना मुश्किल हो जाता है तो उसके बगैर हम बनाएंगे बगैर गाजर की हलवा और रिजल्ट करता है उसकी हलवा बनाते हैं उससे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आज की जो हलवा है वो बहुत ही अलग तरीके से, तरीके से से आसान आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है। तो हमारा साथ रहे ये हलवा आप लोग इंजॉय करें किस तरह बनती और ये कितनी देर में तैयार हो जाती बहुत कम से कम टाइम में बहुत कम से कम टाइम में हमने तैयार करनी है बहुत कम से कम खर्चे में गाजर की हलवा हमने तैयार करनी है हमारा साथ रहना अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए और बेल का जो बटन है वो जरूर आपने प्रेस करना दें क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आपके पास सीधा-सीधा परवह पहुंच जाती है आसानी से तो चल स्टार्ट करते हैं गाजर की हलवा तो सबसे पहले जो गाजर के नीचे वाला ईसा है इसको हराम से हमने उतार देना है क्योंकि इसमें रेत होती है और यह सख्त जगह होती तो सबसे हमने इसी तरह उतार देना है फिर उसके बाद हमने दो दो इसे कर देना है अल्हम्दुलिल्लाह गाजर सारे तैयार हो गए अब हमने दो दो इसे इसको करना है दो दो ही से इसी तरह आपने करना में तो यहाँ पे हमने एक कुकर रख दिए और देसी घी डालेंगे देसी घी में बुनाई होगी लेकिन बहुत ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना हल्का सामने इसको फ्राई करना गाजर डालेंगे चम्मच भी आपने ऐसे लेने ताकि वो आसानी से इस तरह के आपने चम्मच लेनी है गुलाई में ताकि गाजर की जो बुनाई है वो आराम से हो जाए इलायची सबल डाल दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बुनाई होगी और थोड़ा सा नमक डालेंगे चौथाई सा जो टी स्पून है चौथाई सा मैंने नमक का इस्तेमाल किया तो नमक बहुत ही अच्छा फ्लेवर ले कर आता है गाजर के हलवा पे इसका जो पानी है वो भी नमक के साथ निकल जाती है कवर कर लेते हैं आराम से तो दो से तीन मिनट हमने इसको प्रेशर लगानी है ऑलरेडी ढक्कन हमने बंद कर दिए कोई पानी के कतरा मैंने नहीं डाला नमक इसीलिए डाला वो गाजर में जो पानी है वो हराम से निकल जाएंगे और फ्लेवर आप ये दपट ट्राई कीजिए जो नमक के साथ इनके फ्लेवर आता है तो आप यकीन करें आप खुद भी हैरान हो जाओगे तो बहुत जबरदस्त किस्म के फ्लेवर आता है नमक के साथ अब हमने जो इसको टहन देना है जैसे ही सीटी बंदी शोरों हो जाएगी तो तकरीबन दो से तीन मिनट हमने इसको प्रेशर देनी बस इस इसी के अंदर ये बिल्कुल मजीद अच्छा सा अच्छा गल फिर आप लोग को चेक कराइए तो कढ़ाई मैंने रख दी यहाँ पे और इसमें हमने एक लीटर दूध डालना है तो एक किलो गाजर है और एक लीटर दूध इसको जो है ना उबाल उबाल के एक कोया ही बन जाता है तो दूध का जो कोया है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है उसमें बकाया कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है इसको सिर्फ़ उबालना ही होता है तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध उबल की अब हमने जो है ना इसका ढक्कन खोल लेना है टाइम इसका पूरा हो गया तीन मिनट तो उम्मीद है गाजर गल गया होगा क्योंकि दो से तीन मिनट में आराम से गाजर गल जाता है अभी चेक कर लेते हैं बिसमिल्लि ये आप देख ले कांटे से पता चल जाता है ये बिल्कुल मलाई की तरह गली है और मैश बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना बस इतना करना है जितना हमें ज़रूरत होती है तो चलो अब ये से करते हैं गाजर जो है हमने दूध में डाल देना है और फिर इसको हमने मैश करना है बिस्मिल्ल ये फिर हमने या कांटे के मदद से या चम्मच के मदद से इसको इस तरह की पीस लेने बहुत ही मैश नहीं करना फिर से बताता हूँ आप इससे भी कर सकते हैं अगर इससे नहीं होता तो फिर थोड़ा सा हमने कांटे से करना थोड़ा सा कांटे के इस्तेमाल कर लें नरम तो है वैसे ऑलरेडी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैश भी हो गया अब इसका हमने बुनाई करना है और फिर जो है इसके लिए जो ड्राई फ्रूट है वो हल्का सा हमने रोस्ट करना है वो भी देसी घी में हमने रोस्ट करनी है तो इस तरह की छोटा हमने एक पैन लिए थोड़ा सा हमने देसी घी का इस्तेमाल करनी है जितना आपको ज़रूरत हो हलवा के हिसाब से आप डाल दीजिए जिसमें ड्राई फ्रूट इसमें अखरोड़ भी है पिस्ता और बादाम तो किशमिश भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप मज़ीद उसमें डाल लें नारियल डाल सकते हैं आप तो अल्हम्दुलिल्लाह रोस्ट गए और अब हमने ये शामिल करना है कढ़ाई में बिस्मिल्ल तो इसके साथ अपने बुनाई कर लेना है जब सेड उसे इस तरह की घी निकलना शुरू हो जाए तो समझो तैयार हो जाए चीनी डाल लेते हैं चीनी हमने तकरीबन आधा कप से भी कम ही डाला है क्योंकि गाजर वैसे उसमें मिठास होता है फिर थोड़ा सा कुहे के भी इस्तेमाल करनी है कोया हमने घर पे ही तैयार किए तो घर पे हराम से बन जाती है बिस्मिल्लाह तकरीबन आधा कप के करीब है और आधा कप से कम मैंने चीनी का इस्तेमाल किए तो मीठा आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप बढ़ा सकते मैंने इसी के हिसाब से डाल दिए तो कुएँ डालने के बाद ज़्यादा बुनाई नहीं करना सिर्फ मिक्स करना है बिल्कुल ज़्यादा आपने नहीं करना क्योंकि फिर जो हलवा का कलर है वो आपका ख़राब हो जाता बस इतना करना है ताकि गर्म हो जाए और मिक्स हो जाए सही तरीके से फिर इसके बाद आपने गार्निश करनी है जो भी करनी है, वो अपने हिसाब से आप कर लीजिए तो अलहदुल्ल तकरीबन आधा घंटे के करीब टाइम हो गए तकरीबन पैंतीस मिनट हो गए गड़ी के हिसाब से तो पैंतीस मिनट में हमने गाजर के हलवा तैयार किए और ज़रूर ट्राई कीजिए अपना घर में अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह आप देख ले बहुत ही मज़ेदार सब हलवा आपसे भूल जाएंगे ये तरीका अगर आपने इस्तेमाल किए तो इसके फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख ले कितना ख़ूबसूरत कलर आ गई कलर भी नहीं ख़राब हुआ मैंने ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल दिए आप देख ले कितना ज़बरदस्त किस्म की हलवा हमारा तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाजर की हलवा हमने तैयार किए उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि आसान से आसान रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की और खुशबूदार बहुत मज़ेदार हलवा हमने तैयार किए तो अगर वीडियो आपको पसंद आई रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अच्छे अच्छी कमेंट्स करें तो इसी के साथ उस्मानी सब्जे को दे इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें हाफिज़